Hello friends, this is Shashank Jain. Welcome back to my channel. I hope you are liking my videos of various topics. So today I'm out in the market and I'll be reviewing tiles for you. So there are various kind of tiles available in the market. So in the entire video, I'll be showing what are the type of sizes, what are the type of the usages of these tiles. So hang on and stay with me for all the updates about the tiles in this video. Before we go into it, I will request you to please subscribe my channel. Agar aapne usse subscribe abhi tak nahi kiya hai, to please kar lijiye and also click on the bell notification so that you'll be updated with my latest videos. So here we are reviewing 12 inches by 24 inches, which is aksar us style ko bola jata hai 12-24 ya 1x2 feet. To ye size iska hota hai 1 foot by 2 foot. Isko aksar aap bathroom mein kitchen ke piche backsplash mein use kar sakte ho. So ये एक kind of a pattern है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, white का base है and उसके साथ एक colorful tile है just to add some colors to it. तो इसी तरीके के various patterns यहाँ पर आप किसी भी shop पे जब जाएँ tile देखने के लिए तो देख सकते हैं. तो नीचे white color का इसका self का design है. It has some mirror finish, so it will look very nice in the bathroom or in the kitchen. So अगर आपका theme tone white और grey की तरफ है तो आप इसको use कर सकते हैं. या हो सकता है किचन में आपका स्लैब वाइट है तो किचन के बैकस्प्लैश में आप इस तरीके की सिल्वर टोन को डाल सकते हैं. सो ये 12 इंच बाय 24 इंच की ये एक टाइल है. दिस इज अनदर पैटर्न विच इज मोर सटल. इसके अंदर अपना इंग्रेव्स हैं, तो जब जैसे आप मेरा देख रहे हैं, मेरा हाथ जब मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा इंड्यूलेटेड है. सो आप इसको प्लस एंड माइनस की फील कर सकते हैं. इसका टाइल को हमेशा देखने का परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी थिकनेस और उसकी फील. तो ऊपर वो चाहे वो मैट है, ग्लॉस है या सेमी ग्लॉस है. दिस इज मोर जटैक पैटर्न ऑफ गोल्ड. तो एक गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाइट के पैटर्न में एक फॉर्मुलेशन किया हुआ है. ये भी एक अच्छी टाइल है जो कि इटालियन मार्बल की कॉपी है. सो अक्सर हम इस मार्बल को डायना मार्बल बोला करते थे इटालियन में, पर नाउ ये टाइल के फॉर्मेट में भी आ गया है एंड लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आर मेकिंग टाइल्स इन मार्बल फॉर्मेट. सो ये एक डार्क मार्बल का टोन है और ये एक लाइट मार्बल का टोन है. इसके अंदर इसको ना 6 इंचज़ बाई 24 इंचज़ के शेप में काट के अलग से लगाया गया है. तो आपकी टाइल भी ऐसी लग सकती है, 12 इंच बाई 24 इंच एक लगे और 6 इंच बाई 24 इंच एक लगे. इसके साथ आप ऐसे पैटर्न बना सकते हो. सो ये एक अच्छी टाइल है जो कि आप फ्लोरिंग पे यूज़ कर सकते हो. सो ये बालकनी की फ्लोरिंग या फिर किसी बाथरूम की फ्लोरिंग को जिसको रस्टिक बनाना है उसकी तरह यूज़ किया जा सकता है. यू कैन ईदर यूज़ सिंगल कलर इन द एंटायर बालकनी और टेरेस, और यू कैन यूज़ मल्टीपल कलर्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ टोन यू वॉन्ट टू क्रिएट इन दैट पर्टिकुलर स्पेस. आप कैसा टोन बनाना चाहते हैं तो आप उसको वैसा बना सकते हैं. सो ये टाइल है जिसके अंदर ये पेंसिल्स लगे हुए हैं. इन पेंसिल्स को बोला जाता है हाइलाइटर्स. तो ये 12 इंच बाय 24 इंच की टाइल, एज आई सेड, ये पेंसिल उसके अंदर उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं. ये अनदर फॉर्मेट है इसका. तो ऐसे बहुत सारे कलर्स फॉर्मेट आप जब जाएंगे मार्केट में तो आपको देखने को मिल जाएंगे. जैसे कि ये थोड़ा गोल्डन ब्लैक का फील है. अगर आपके अपने बाथरूम को थोड़ा सा प्रीमियम फील देना है एंड यू वॉन्ट टू हैव ब्लैक एंड गोल्ड, सो यू कैन यूज इंटायर वॉल, एक वॉल इसकी बना सकते हैं, बाकी सारी वॉल्स को आप वाइट कर सकते हैं. सो ये एक अलग टोन है. ये भी बड़ा अट्रैक्टिव पेंटेड टोन है. तो इसके अंदर ऐसा फील होता है कि आपने पेंटिंग इंस्टॉल करी है. अगर आप इसको प्लेसमेंट करें अपने बाथरूम में एक पर्टिकुलर सेक्शन में जो कि सिर्फ एक पेंटिंग के फॉर्मेट में हो, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, और बाकी पूरा बाथरूम आप वाइट यूज कर सकते हैं लाइक दिस. ये भी एक बाथरूम की टाइल है विच इज मोर ब्राउनिश. सो ये टाइल भी आप फ्लोरिंग और बाथरूम की वॉल्स पे यूज कर सकते हो, चाहे आप इसको बालकनी में लगाएं या बाथरूम के फ्लोर पे लगाएं, इसको बाथरूम के फ्लोर पे लगाएं या बालकनी में लगाएं, दोनों तरीके से इसको यूज किया जा सकता है फॉर दैट आउटडोर पर्पसेस. ये एक टाइल है विच इज मोर ऑफ कॉपर एंड वाइट. सो एक कॉपर और वाइट का एक टोन बना रही है जो कि आजकल काफी प्रीमियम एंड ट्रेंडी है. तो आप 2020 में द नेक्स्ट ईयर कॉपर एंड ब्रॉन्ज इज द नेक्स्ट ट्रेंड विच इज कमिंग आउट विच विल बी वेरी पॉपुलर. ये भी एक टाइल है, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग है. ये ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स के फॉर्मेट में भी लग सकती है,
तो आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल ब्लॉक्स के फॉर्मेट में कटवा के भी लगा सकते हैं या फिर इसकी पूरी पूरी टाइल को प्लेस भी कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा पैटर्न है जो कि आप अपने कॉमन बाथरूम में या छोटे बाथरूम में यूज़ कर सकते हो। इसका अगेन टोन इटालियन मार्बल जैसा है, सो इट विल लुक लाइक अ इटालियन मार्बल ओनली। ये भी एक अच्छी टाइल है, ये रस्टिक टाइल है, तो आप इसके बेस में अगर देख रहे हैं तो ये रस्टिक थोड़ा टोन है। तो अगर आप पूरे बाथरूम को इसी टोन में बना लें और इसको अवॉइड करें और इसके साथ एक छोटा सा वाइट का पैच डाल दें तो इट विल लुक वेरी नाइस। और जो पैटर्न हमने यहाँ बनाया हुआ है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पैटर्न्स नाउअडेज विच हैज़ रस्टिक गोल्ड इन इट। तो ये ना सारा पूरा एक ऐसा लगता है कि आपने गोल्ड की प्लेटिंग करी है। सो अपने कॉमन बाथरूम को या आप अपने जो पाउडर बाथरूम है या कोई एक मास्टर बाथरूम है उसको ये थोड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल है, इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो गाइस दिस इज़ द टाइल जो कि 24 इंच बाय 48 इंच के साइज़ में है। तो आप ये देखें, दिस इज़ 24 इंचेस विच इज़ ऑल्सो कॉल एज 2 feet, यहाँ से लेके नीचे तक इट इज़ 48 इंचेस ऑल्सो कॉल एज 4 feet। तो ये बहुत ही पॉपुलर टाइल है, आज ट्रेंड में है। इसके वेरियस कलर्स एंड वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। सो दिस इज़ अ ब्राउन कलर टाइल विच इज़ वेरी सिमिलर टू इटालियन मार्बल। दिस कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अ क्रीम बेस। दिस इज़ अनदर ब्राउन टाइल विद अ हिंट ऑफ मस्टर्ड एंड ऑरेंजेस विद इन इट। सो ये टाइल अगर आप इंटायरली पूरे बाथरूम में खाली इस टाइल को लगाएं, कोई और पैटर्न ना लगाएं और सिर्फ पूरा बाथरूम ब्राउन का बना लें एंड साथ में वाइट और क्रीम अपना सेरेमिक्स ले लें तो बहुत सुंदर लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर टाइल। इसको अल्ट्रा मॉडर्न टाइल बोला जाता है बिकॉज ऑफ द कलर। सो द कलर इज ब्लू एंड विद द हिंट ऑफ लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड एंड ऑरेंजेस टू इट, इट इज़ कमिंग आउट रियली वेल। ये बहुत सुंदर लग रही है। तो ये भी 2x4 के साइज में है, तो आप अपने पूरे बाथरूम में खाली इस टाइल को भी यूज़ कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी अदर पैटर्न विद दिस। अगर आपको फिर भी पैटर्न लगाना है तो इसके साथ एक वाइट का बेस या फिर एक ब्लैक का बेस यूज़ किया जा सकता है टू प्लेस योर एंटायर बाथरूम। सो ये एक इटालियन मार्बल आता है ट्रावर्टिनो, उसकी कॉपी टाइल है। तो ये भी बहुत यूज़ किया जाता था लास्ट 2-3 साल में। इसको भी 2x4 के साइज़ में हम दिखा रहे हैं आपको और ये पूरी टाइल को भी इंटायरली सिंगल टाइल पूरे बाथरूम में यूज़ की जा सकती है, बहुत सुंदर लगेगा उसके साथ। सो नाउ दिस इज़ अ वुडन टाइल गाइस। ये वुडन की फ्लोरिंग नहीं है, तो ये भी साइज़ 2x4 में है। इसको किसी भी साइज़ में कटवाया जा सकता है, चाहे आप इसे बेडरूम में लगाएं, फ्लोरिंग पे लगाएं या बाथरूम में लगाएं, ये सब जगह अच्छी लगेगी और चलेगी। इसके साथ अगर आपको कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप वाइट क्रीम या वाइट या फिर क्रीम को दोनों को यूज़ कर सकते हो फॉर मेकिंग द कॉम्बिनेशन। इसको हाईलाइट करना दूसरे को बेस बना लेगा। सो गाइस दिस इज़ 32 inches by 64 inches। ये 32 inches by 64 inches की टाइल है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो अक्सर इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि बेडरूम्स में, लिविंग रूम्स में या किसी भी रूम के फ्लोरिंग में आप लगा लें। ये इटालियन मार्बल का एक ट्रू कॉपी है, तो जब आप लगाएंगे तो इसके अंदर जॉइंट्स भी कम आएंगे और आपको पता नहीं लगेगा कि इटालियन मार्बल लगा है फ्लोरिंग पे या फिर टाइल्स लगी हैं। ये बाथरूम में भी लगाई जा सकती हैं, बट इसको लगाने के लिए थोड़ा कारीगर या मिस्त्री जो आपका है वो समझदार होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वेट काफ़ी होता है, तो अगर उसने ढंग से नहीं लगाया तो क्रैक कर जा सकती है। दिस इज़ 32 inches एंड दिस इज़ 64 inches। तो ये बिल्कुल इटालियन मार्बल, ये दूसरा शेप है उस इटालियन मार्बल का, जिसके अंदर कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन है। दिस इज़ अगेन द वुडन फ्लोरिंग की जगह वुडन टाइल्स। इसको मैं बाथरूम्स में फ्लोरिंग पे या बेडरूम की फ्लोरिंग पे रिकमेंड करता हूँ। बेडरूम की फ्लोरिंग में बहुत सुंदर लगती है और इसके अंदर बहुत सारे शेड्स आते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और डार्केस्ट ब्राउन। सो दैट एक तो ये लकड़ी नहीं है तो ये दीमक से प्रूफ है, दूसरा इसके अंदर पानी गिरे कुछ प्रॉब्लम न हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक मैं वीडियो कवर करूंगा आगे आने वाले टाइम में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वुडन टाइल और वुडन फ्लोरिंग में डिफरेंस क्या है। तो ये वुडन टाइल है। सो गाइस दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर टाइल। इसको सतवारियो टाइल भी बोला जाता है मार्केट में। सो जब आप मार्केट में टाइल लेने के लिए जाएंगे तो आप ये टाइल को अक्सर वेरियस शेप्स में पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर बेडरूम्स एंड बाथरूम्स। तो ये लिविंग रूम में अगर आपको यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ पैटर्न ज़रूर बना लीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत ही ब्लैंक लगेगी। या फिर आपका फर्नीचर उस तरीके से होना चाहिए सो दैट ये उसके साथ ब्लेंड कर जाए और अच्छा लगे। ये ग्रे विलियम मार्बल है इटालियन का, उसकी कॉपी है और इसका टोन बिल्कुल ग्रे आता है। तो जब आप इस स्टाइल को प्लेस करेंगे और ऊपर से वाइट लाइट डालें या जब इंटायर इंटीरियर को प्लान करें तो इस स्टाइल का लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो 32 inches by 64 inches। सो गाइज दिस इज़
ब्लैक एंड वाइट बेस, तो ये भी मॉडर्न बाथरूम्स का पार्ट है, तो इसको भी आप मॉडर्न बाथरूम को बनाते वक्त 2x4 के शेप में यूज़ कर सकते हो। इसको आप अपनी फ्लोरिंग पे भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने रूम्स में भी यूज़ कर सकते हो, और इसको किचन के बैक स्प्लैश के बेस में भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, ये मैं अब टाइल जो रिव्यू कर रहा हूँ, ये 2x2 की टाइल है, विच इज़ कॉल्ड 24 inches by 24 inches। ये आज से 4-5 साल पहले बहुत ही पॉपुलर टाइल थी, आज भी इसे बहुत सारा यूज़ किया जाता है बाथरूम फ्लोरिंग के लिए या बेडरूम फ्लोरिंग के लिए। अगर बजट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ती टाइल है जो कि ईजिली बाज़ार में मिल जाती है। सो ये टाइल मैं जो दिखा रहा हूँ, इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ एन इटालियन मार्बल कॉल एम्प्रोडोर, उसकी बिल्कुल कॉपी है, और ये बहुत ही सुंदर लगता है अगर बाथरूम में एक वॉल पे इसको लगा लें और बाकी सारी वॉल्स को बेस वाइट कर लें। तो ये वाली जो टाइल है गाइज, ये टाइल वुडन फ्लोरिंग का काम करती है, तो ये वुडन टाइल है और आप देख सकते हैं पाइन वुड के प्लैंक्स की तरह लगती है, और ये बहुत ही सुंदर लगती है जब आप इसे बेडरूम के फ्लोर पे लगाएं या फिर बाथरूम में एक वॉल पे लगा लें। गाइज, दिस इज़ ऑल्सो 24 inches by 24 inch की टाइल है, आप देख सकते हैं ये भी सतवारियों के लुक की टाइल है, वेयर एज ओनली डिफरेंसेज इसके अंदर ब्लैक का रेशे या ब्लैक की हिंट नहीं है, बल्कि इसमें ऑरेंज या मस्टर्ड के उसके हिंट्स हैं जो वाइट में डाले गए हैं। ये भी इटालियन मार्बल की कॉपी है, इसको भी 24 inches by 24 inches के शेप में हम देख सकते हैं। ये लिटिल बिट ऑफ क्रीम कलर है, तो जब हमें टोन ऑफ द बेडरूम लाइट रखना होता है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ एक डार्क फर्नीचर या डार्क आप एलिमेंट्स डाल दें ऊपर, तो आप नीचे टाइल्स को लाइट ले सकते हैं। ये ब्लैक कलर की टाइल है विद द हिंट ऑफ मस्टर्ड एंड ऑरेंज। ये हमने टाइल अभी 2x4 के साइज़ में भी देखी थी, और ये 2x2 के साइज़ में भी आती है। एज यू से कि 2x4 की आप टाइल लेंगे तो थोड़ी महंगी होगी, और 2x2 की टाइल आप लेंगे तो थोड़ी सस्ती होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो गाइज, आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज अबाउट टाइल्स टूडे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू वन वेरी सिंपल थिंग, इफ यू हैव परचेज्ड अ न्यू टाइल फॉर योर बाथरूम, आई वुड लाइक टू सी इट एंड रिव्यू इट। इफ यू कैन पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई बैक। ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स फैमिली एंड नेटवर्क। वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन एंड क्लिक ऑन द शेयर बटन। थैंक यू।